गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू ब्रॉड वैली हिमाचल प्रदेश। सो कल 4-5 बजे हम पहुंचे थे ब्रॉड वैली, तो हमने यहाँ रूम लिया। थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो कल मैं वीडियो बना नहीं सका, तो सोचा कि अच्छे से सुबह उठ के आज वीडियो शुरू करता हूँ। तो यह है सामने ब्रॉड वैली, ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी। सो अभी हमने शावर वगैरह ले लिया है, तो इसके बाद हम वो सामने जो चेयर आपको दिखाई दे रही है वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके करते हैं ब्रेकफास्ट। और साथ में मेरे कृष्णा जी शिवाज भाग गया। चलो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। तो थोड़ी देर में आ रहा है हमारा ब्रेकफास्ट, तो यहाँ नदी के किनारे करेंगे ब्रेकफास्ट हम। बिल्कुल इसके सामने ये होटल है, होटल कृष्णा एंड रेस्टोरेंट। तो ये हमने रूम किराए पे लिया था, तो इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। सो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको ले जाते हैं हसीन वादियों में, काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लेसेज है घूमने के लिए। तो कृष्णा कैसे फील कर रहे हैं आप? अच्छा। शिवाजी आप तो ये आप देख सकते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर सारा कुछ है। जब भी आप यहाँ आएँ इनको पहले फ़ोन कर लें, और फ़ोन करने के बाद आपकी ये बुकिंग कर देंगे ऑनलाइन। सो इनके जो ओनर हैं वो डॉक्टर हैं। सो साइड वाइज बिजनेस खोला हुआ उन्होंने। डॉक्टर साहब कितने है नहीं? तो अभी तो जो इनके ओनर है डॉक्टर साहब वो यहाँ नहीं है, तो थोड़ी देर में आएंगे तो उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। भाई ब्रेकफास्ट में कितना टाइम लगेगा करने में? दो मिनट लगे होंगे। तो पराठे करवाए हैं कर्ड के साथ, और साथ में करवाया है हमने अमूल बटर। तो उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी चाय भी लेंगे। तो कृष्णा जी कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा। जी मेरा बड़ा बेटा कृष्णा, नोटी बॉय नोटी। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, इसके बाद हम यहाँ की हंसी वादियों में घूमेंगे। तो काफ़ी टाइम से मेरा प्लान चल रहा था कि ब्रॉड वैली आएँ, अच्छे से वीडियो बनाऊँ आपके लिए। तो वीडियो बहुत अच्छे से बना रहा हूँ मैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट आंसर। ओके जी ब्रेकफास्ट ले आओ। तो आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। क्या नाम आपका? हैप्पी। हैप्पी जी हमारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आए हैं, परांठे हैं, कर्ड है, अमूल बटर कहाँ है? आ रहा है भाई, जल्दी ले, भूख बहुत ज़्यादा लगी है। ये आप देख सकते हैं पीछे मेरी कार है जेन, बेस्ट कार है जेन। सो मैंने अभी क्या लास्ट ईयर स्कॉर्पियो बुक करवाई है ब्लैक कलर में, पेट्रोल वर्जन। सो वेट कर करके थक गया हूँ यार। सो होप सो के विद इन 1 मंथ में मुझे मेरी स्कॉर्पियो एन मिल जाएगी। ओके जी करें फिर ब्रेकफास्ट। ये देखो जी, ये आ गया कृष्णा के मॉम। सो शिवांश जी, शिवांश को तो इनकी मम्मी गाइड कर सकते हैं, क्योंकि शिवांश हमारे हाथ नहीं आता जी बिल्कुल भी। चलो रोटी शुरू करें फिर अब। चलो करो ये ब्रेकफास्ट शुरू। गाइस भूख बहुत ज़्यादा जोर से लगी है, तो करते हैं ब्रेकफास्ट। चीयर्स। डिलीशियस। आलू और गोभी के परोठे हैं तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हैं। तो ये कृष्णा होटल है, तो इनकी सर्विस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो जब भी आपने यहाँ आना हो तो इनको पहले कॉन्टैक्ट कर लें, रूम वगैरह बुक करवा लें, उसके बाद यहाँ आए। कम से कम आपको 2 दिन चाहिए ये प्लेस अच्छे से घूमने के लिए। सो गाइस अभी किया है मैंने ब्रेकफास्ट, तो अभी आपको एक महान हस्ती से मनाने लगा हूँ, डॉक्टर शर्मा जी।
यहाँ इनका क्लिनिक है ब्रॉड वैली में, और साथ में इनका साइड वाइज एक शॉप कह लो, ये इनका होटल है, होटल कृष्णा एंड रेस्टोरेंट। डॉक्टर साहब कुछ कहिए आप अपने बारे में, अपने होटल के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किशोर, ब्रॉड वैली होटल कृष्णा से। एक हमने एक छोटा सा फैमिली होटल बनाया, तो कोशिश रहती है हमारे को कि जो भी हमारे गेस्ट आए, फैमिली मेम्बर बोल सकते हैं, गेस्ट नहीं बोल सकते, तो हम उनको नीट एंड क्लीन फैसिलिटी दें, हॉस्पिटैलिटी, खाना अच्छा दें। बाकी सर ने भी ब्रेकफास्ट किया तो क्या रिव्यूज रहेंगे वो कुछ बताएंगे। भाई कल शाम को मैं यहाँ आया था तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मेरा मन किया कि नहीं भाई ऐसे बंदे की और जो ये होटल है इनकी वीडियो वगैरह बनानी चाहिए। तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दे दिया है, फ़ोन करें, फैमिली के साथ आएँ, जितने भी मेरे भाई राइडर्स हैं वो यहाँ आए, फ़ोन कर लें, बुकिंग आपकी अच्छे से हो जाएगी और आपको बेस्ट सर्विस यहाँ की मिलेगी। डियर, ये ब्रॉड वैली में भेड़े हैं तो इनको पानी में फेंका जा रहा है साफ सफाई के लिए। अभी होटल से ब्रेकफास्ट करके निकले हम, तो होटल के बिल्कुल सामने ये लोकेशन है, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है ब्यूटीफुल फव्वारा, काफ़ी फेमस है ब्रॉड वैली में। अभी और आगे जा चलते हैं तो देखते हैं कौन सी अच्छी लोकेशन है आगे। ब्रॉड वैली में काफ़ी छोटी छोटी प्लेसेज हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, तो इनको ढूंढने के लिए भी टाइम लगेगा भाई। तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक ट्रॉली है जो आपने शायद पहले भी कहीं वीडियो में देखी होगी, तो वो ट्रॉली बंद पड़ी है, पर मन कर रहा है कि उस ट्रॉली को देखा जाए क्योंकि कहते हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर है जी।